इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके भेजे हुए कमेंट्स, जो अलग अलग वीडियोस में आप कमेंट्स करते हैं उनमें से कुछ कमेंट्स को हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपके कमेंट का रिप्लाई भी, आपके कमेंट का आंसर भी इस वीडियो में हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अब आप हमारे पेज इजी डेंटिस्ट्री को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कमेंट है विमला कुमावत का। लिखते हैं, सर मेरे दांत हल्के हिलते हैं, सर हिलते दांत भी मजबूत हो जाएंगे क्या? ये कमेंट है स्केलिंग वाले वीडियो पर, स्केलिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ था उस पर ये कमेंट है। तो देखिए, अगर थोड़े बहुत आपके दांत हिलते हैं तो बिल्कुल स्केलिंग के बाद वो मजबूत हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा हिलते हैं ड्यू टू बोन लॉस, आपकी जो बोन है उसके कारण बोन रिसेशन ज़्यादा हो गया है, गम रिसेशन ज़्यादा है, तो आपके दांत स्केलिंग से हिलना बंद नहीं होंगे, उसके लिए आपको अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट कमेंट है रवि कुमार का, सर केनाल सर्चिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई आसान तरीका बताएं केनाल सर्चिंग का। तो केनाल सर्चिंग जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अक्सर केनाल सर्च करने में प्रॉब्लम होती है और कई बार होता है कि कुछ केनाल्स हम फाइंड नहीं कर पाते, उनको सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस वीक आपको मिल जाएगा वीडियो, एक थ्योरेटिकल वीडियो बनाते हैं जिसमें ट्राई करेंगे कि हम कैसे आसानी से केनाल सर्च कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट कमेंट है हनी सिंह का, हनी सिंह भी कमेंट कर रहे हैं, सॉरी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो ये लिखते हैं, सर प्लीज़ टेल मी विच वन इज़ बेटर, लिस्टरीन और हेक्सिडिन, माउथ वॉशेस के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो जो हेक्सिडिन है उसमें कंटेंट है क्लोरहेक्सिडिन, ये एंटीसेप्टिक है और ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कोई गम डिसऑर्डर, कोई गम डिसीज़ आपको है उसके लिए, और ये प्रिस्क्राइब करते हैं 15 से 20 दिन या एक महीने के लिए। जो क्लोरहेक्सिडिन वाले माउथ वॉशेस हैं इनका लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, लंबे समय तक इनका यूज़ करने से दांतों में स्टेनिंग होती है और कई बार वाइट पैचेस भी आने लगते हैं। उसके बाद आपने पूछा हुआ है लिस्ट्रीन के बारे में, तो लिस्ट्रीन में क्लोरहेक्सिडिन नहीं है। अगर आप रेगुलरली यूज़ करना चाहते हैं बेड ब्रीथ वगैरह के लिए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं लिस्ट्रीन का, पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है सईद शारिक अहमद का, सर मेरा विजडम टूथ बैंड है दूसरे टूथ पर, एक्सरे में आया है, क्या विजडम टूथ सही से निकल पाएगा या नहीं, हल्का सूजन है। तो जैसा आपने लिखा है मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, शायद ऐसा बैंड होगा आपका विजडम टूथ दूसरे टूथ पर, और यहाँ पर क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि वो नॉर्मली इरप्ट हो जाएगा, निकल जाएगा और आप उसको फिर यूज़ कर पाएंगे, या आपने ये लिखा है कि उसको निकलवाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मतलब एक्सट्रैक्ट करवाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ, अगर वो बहुत ज़्यादा बैंड है तो वो नॉर्मली इरप्ट नहीं होगा और आप उसको आगे यूज़ नहीं कर पाएंगे, आगे चल के प्रॉब्लम देगा। और अगर आपने पूछा है उसको एक्सट्रैक्ट कराने के लिए कि निकलवाने में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो निकलवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी आपके डॉक्टर हैं वो आपको सुन करके इंजेक्शन देके आसानी से उसको निकाल देंगे। नेक्स्ट कमेंट है देवश्री जेपले का, विच इंस्ट्रूमेंट नीडेड फॉर एल ए एंड टूथ एक्सट्रैक्शन पेशेंट्स, प्लीज़ सेंड मी योर आंसर इमीजिएटली। दो चार वीडियो में आपने ऐसा लिखा हुआ था, सेंड मी योर आंसर इमीजिएटली। तो अगर आप एक्सट्रैक्शन और लोकल एनेस्थेटिक के बारे में पूछ रहे हैं तो एनेस्थीसिया देने के लिए आपको लगेगा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्ट करने के लिए सिरिन, कॉटन और स्पिरिट। इसके बाद एक्सट्रैक्शन के लिए आपको लगेंगे एलिवेटर्स, फोर्सेप्स, गॉज पीस, बीटाडीन और अगर ज़रूरत पड़ती है तो सुचर मटेरियल। नेक्स्ट कमेंट है ओम प्रकाश कुशवाहा का, लिखते हैं आप क्लिनिकल लाइव वीडियो क्यों नहीं बनाते। ओके, देखिए सर मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो वीडियोस हम बना रहे हैं बहुत ज़्यादा लंबे ना हो और छोटे वीडियो में बहुत क्लियरली आपको समझ में आ पाए। जो पेशेंट पे अगर हम एक टूथ के ऊपर मान लीजिए वर्क कर रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से वो आ नहीं पाता है, इसलिए अभी तक बनाए नहीं हैं। कुछ वीडियोज़ मैंने बना के डिलीट भी कर दिए हुए हैं, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं बनाऊँगा, और अभी मैंने एक टूथ पर बनाया हुआ है उसको मैं एडिट कर रहा हूँ, कल या परसों में मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। और उसके ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा वीडियो बोल रहे थे मोलार की ओपनिंग के लिए, मैक्सिलरी मोलार की एक्सेस ओपनिंग के लिए, तो उसी पर बनाया हुआ है, एडिट कर रहा हूँ मैं, देखते हैं कितना अच्छा बन पाता है। नेक्स्ट कमेंट है गौरव पाल का,
एक सेट से हम कितने केस कर सकते हैं, ये प्रोटेपर्स वाले वीडियो में कमेंट है, प्रोटेपर्स के बारे में आप पूछ रहे हैं कितने बार यूज़ कर सकते हैं। तो एक सेट से हम 3 से 4 केसेस आसानी से कर सकते हैं, कंपनीज ऐसा बोलती हैं 4 केसेस तक, लेकिन अगर आपके प्रोटेपर अच्छे हैं, फटीग नहीं है, तो आप चेक कर लीजिए, उनसे ज़्यादा केसेस भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है विकास पांडे का, लिखते हैं सर वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल कंपेयर टू होल यूट्यूब डेंटल एजुकेशन वीडियो एंड प्लीज़ मेक वीडियो ऑन डेंटल डायग्नोसिस एंड रेडियोग्राफी एक्सरे। थैंक यू विकास भाई, आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं, वो अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ आ रहा है जो वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको। और डेंटल एक्सरे के बारे में आपने पूछा है, तो कुछ वीडियो एक्सरे के ऊपर बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, और भी वीडियो एक्सरे के ऊपर जल्दी लेकर आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है नेहा NB का, पहली बार कोडिंग याद हुई है आज मुझे, थैंक यू सो मच। ये कमेंट है के फाइल एच फाइल की जो कलर कोडिंग और आइडेंटिफिकेशन है उसके ऊपर, थोड़ा सा स्टार्टिंग में कोडिंग याद नहीं होती है स्टूडेंट्स को, तो एक पैटर्न बताया हुआ था मैंने याद करने के लिए, तो थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आया और आप उससे याद करने में आपको आसानी हुई। नेक्स्ट कमेंट है हैप्पी का, लिखते हैं IM पोस्टेड इन कॉन्स सो हेल्पफुल। ये कमेंट है आपका स्टेप बैक टेक्निक वाले वीडियो पर, थैंक यू आपको पसंद आया। और दूसरे में आप लिखते हैं इसमें प्रोटेपर्स फाइल्स यूज़ होती है ना, ये कमेंट है आपका क्राउन डाउन टेक्निक वाले वीडियो पर, तो बिल्कुल जो क्राउन डाउन टेक्निक है उसमें हम प्रोटेपर्स ही यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कमेंट, और आज का लास्ट कमेंट है फातिमा जहांगीर का, लिखते हैं सर क्या हम डायरेक्ट प्रोटेपर को यूज़ कर सकते हैं के और एच फाइल के प्लेस पर आफ्टर टेकिंग वर्किंग लेंथ। तो देखिए अगर पहले आप 20-25 नंबर तक के एच फाइल को यूज़ कर लेते हैं तो प्रोटेपर को यूज़ करना ईजी हो जाता है, थोड़ा आसान होता है। इसके बाद आपने जो वर्किंग लेंथ का लिखा है तो वर्किंग लेंथ आप पहले भी ले सकते हैं, या फिर जो प्रोटेपर आप यूज़ कर रहे हैं वो क्राउन डाउन टेक्निक पर हम यूज़ करते हैं, और क्राउन डाउन टेक्निक पर पहले हम कोरोनल पोर्शन को प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद एक्सरे लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप पहले भी ले सकते हैं और अकॉर्डिंग टू क्राउन डाउन टेक्निक कोरोनल प्रिपरेशन के बाद भी आप वर्किंग लेंथ एक्सरे ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आकर अपने व्यूज़ ज़रूर दें, और ताकि हम उन कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर सकें। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।